हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग मनी के बारे में बात करते हैं और खासकर हम लोग मनी जो काम करता है, पैसे का जो एक्चुअल काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये मनी का एक बहुत बड़ा फीचर है जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए, एक बार भूल जाइए कि पैसा, मनी को भूल जाइए, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताइए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि एक मिस्टर राम है, वो मिस्टर श्याम से, ये राम जी हैं, ठीक है, और ये श्याम जी हैं, ठीक है, ये राम जी जो है वो श्याम जी से वीआर टेलीफोन बात करते हैं। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं, बन तो रहा है, ठीक है, क्या मैम, आधा टाइम क्लास का तो फोन बनाने में चला जाएगा। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, राम जी जो है वो श्याम जी से फोन के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, इनसे इनकी बात टेलीफोन से होती है, एक बात बताइए दोनों के बातचीत का मीडियम क्या है? ये अपने विचार उनको और वो अपने विचार इनको किस मीडियम से बता रहे हैं, किस माध्यम से बता रहे हैं? टेलीफोन के माध्यम से, यस और नो? सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जिस माध्यम से आप दो चीजों का या किसी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। होप एक्सचेंज का मतलब आपको पता होगा, अपनी अपने पास जो है वो सामने वाले को देना और सामने वाले की चीज खुद लेना। बी इट वो विचार हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं, कोई सामान हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो हम लोग, वो फूड आइटम्स हो सकते हैं, खुशियां हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो अब सवाल उठता है कि मनी कैसे है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, एक बात बताइए, मुझे जरूरत है राइस की, अ बैग फुल ऑफ राइस, अ बैग फुल ऑफ राइस की मुझे जरूरत है, ठीक है, अ बैग फुल ऑफ राइस की मुझे जरूरत है, ये मुझे चाहिए, और ये जो राइस है ना, ये अंकल चौधरी के पास है ये, ठीक है। अब हर लोग मिस्टरी थोड़ी, मतलब सबको मिस्टरी थोड़ी ना एड्रेस करेंगे, कोई चौधरी अंकल भी हो सकते हैं। ये अंकल चौधरी की शॉप पे बैग फुल ऑफ राइस है, मुझे ये राइस चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जाकर अंकल चौधरी से बोलूं कि अंकल अंकल मुझे ना आपके पास ये जो चावल पड़े हुए हैं वो मुझे चाहिए, अंकल कहेंगे ठीक है बेटे जी, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर अंकल चौधरी ने मुझे ये सारा चावल उठाकर दे दिया तो फिर उनके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर अंकल चौधरी तो घाटे में आ जाएंगे ना, अगर उन्होंने, उनके पास ये बैग फुल ऑफ राइस है, द ओनली बैग फुल ऑफ राइस है, और उन्होंने मुझे ये पूरा उठाकर दे दिया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो अंकल चौधरी का काम कैसे चलेगा भाई, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, है ना, दिक्कत है। तो अंकल चौधरी ने कहा, जब मैं ये बैग उठाकर ले जाने लगी तो अंकल चौधरी ने मुझे रोका, कहा बेटा रुक जाओ, आप ये मेरे से राइस ले जा रहे हो तो फिर मेरा क्या, मेरा भोजन कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल, बताइए आपको क्या चाहिए। तो अंकल ने कहा कि आप मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं अगेन फिर से ये चावल जो है वो किसी और से खरीद सकूं, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां जो अंकल चौधरी ने मुझसे ये पैसे लिए, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, कैसे,
क्योंकि इसी पैसे के सहारे, इसी पैसे की हेल्प से जो जिस गुड्स की जरूरत मुझे थी वो गुड्स मुझे मिला, और जिस गुड्स की जरूरत अंकल चौधरी को थी वो अंकल चौधरी को मिल गया, क्योंकि राइस मुझे भी चाहिए था, उन्हें भी चाहिए था, जो उनके पास पड़ा था उन्होंने मुझे दे दिया। अब मेरे से जो पैसे उनको मिलेंगे उससे वो अनदर बैग फुल ऑफ राइस खरीदेंगे। आई बात समझ में? बहुत ही लोअर लेवल का एग्जाम्पल दिया, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो फिर से समझेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये वो माध्यम है, ये वो जरिया है, ये वो चीज है जिसको देकर आप दुनिया के किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, या जिसको लेकर आप दुनिया के किसी भी चीज को बेच सकते हैं, ठीक है? हाँ, एक्सेप्ट ऑनेस्टी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट नाउ, ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रही, बट मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रही हूं जो आप लेकर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट एक्ट एज अ मीडियम विच, और इट एक्ट एज अ थिंग विच कैन बी एक्सचेंज फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अ बायर कैन बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय गिविंग मनी, एंड अ सेलर कैन सेल एनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग दिस मनी। क्लियर है? पक्का आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अर्लियर टाइम्स में चलते हैं, जब पैसा नहीं हुआ करता था तब क्या होता था? तब लोग ये, तब वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का वेट किया जाता था कि अगर मुझे राइस की जरूरत है तो आपको, जो मैं ये सोचूंगी कि अच्छा मुझे राइस चाहिए, तो अब पहले तो मुझे, पहले मेरे मेरे दो काम होते थे। पहला काम क्या कि मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि किसके पास उतना चावल है जितना मुझे चाहिए, ठीक, पहली चीज। अच्छा, मुझे मान लीजिए एक आदमी मिल गया जिसके पास बहुत सारा चावल पड़ा हुआ है जो मुझे दे सकता है। अब मुझे ये पता लगाना है कि क्या जो चीज उसे चाहिए, जो प्रोडक्ट उसे चाहिए, क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, यस और नो। अगर है तब तो वेल एंड गुड, डील हो जाएगी, अगर नहीं है तो देन अगेन मेरी सर्च जो है वो स्टार्ट होगी। यानी कि ये कुछ फ्लो चार्ट इस तरह से बनता था कि आपको, अगर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको राइस परचेज करनी है, राइस परचेज करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है, जिसके पास राइस हो, और आप चेक करेंगे डिसीजन बॉक्स में, इज मैन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है या नहीं, डबल कोइंसिडेंस यस है या नहीं, अगर है तो डील हो जाएगी, डील हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर वापस से हम लोग स्टेप नंबर वन पे जाएंगे। कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट बना करता था। आई नो दैट आई एम नॉट एक्यूरेट, बट यस, कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट, जैसे हम लोग कंप्यूटर से फ्लो चार्ट बनाते थे वैसे यहां वहां तक फ्लो चार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो इसी चीज को, ये जो अगेन एंड अगेन, अब बताइए, अब खुद सोचिए आप कितना टिपिकल होता होगा, कितना डिफिकल्ट होता होगा। पहले तो ढूंढो कि जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिला या नहीं, उसके बाद से ये देखो कि जो प्रोडक्ट उसके, जो जिस प्रोडक्ट की जरूरत उसको है, उस वही प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने, हम किस चीज का जन्म हुआ, मनी का, पैसे का, ठीक है। इस पैसे का जन्म हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये क्योंकि तब उन लोगों ने यहां पर वो पहले फोर्स ही कर लिया था, इतने दूरदर्शी थे तब के लोग कि उन लोगों ने देख लिया था कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मुझे चावल की जरूरत है तो सामने वालों की भी चावल की जरूरत हो, ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जैसे ये भी तो हो सकता है कि उसे चावल के बदले चावल ही चाहिए हो, उसे सीमेंट के बदले सीमेंट ही चाहिए हो, ब्रिक्स के बदले ब्रिक्स ही चाहिए हो, क्लोथ्स के बदले क्लोथ्स ही चाहिए हो, तो उस केस में वो जिसके पास क्लोथ्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो उस केस में वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी जिसकी वजह से इस मनी का जन्म हुआ। अब क्या हम कर सकते हैं, आपको चावल चाहिए ना, आप चावल बेच रहे हो लेकिन आपको आपको चावल भी चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप उसको, उसकी वैल्यू मेजर कर लो, उतने पैसे, उतनी वैल्यू आप मेरे से ले लो इन द फॉर्म ऑफ मनी, और उसके बाद से आप उसको वापस से परचेज कर सकते हो।
क्लियर है, आ रही बात समझ में? इस तरह से मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाने लगा, कि ये एक वो जरिया है जिससे हम लोग चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, पक्की बात है? यस और नो? अच्छा, ये जो मनी है इसका टेक्सचर ये जो है वो भी ऐसा है जिसको आप ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको बहुत सोच समझ के इसको बनाया गया है, इसका इवोल्यूशन हुआ और इसका जन्म हुआ और इसको इंट्रेंड लाया गया, इंट्रेंड नहीं कह सकते बट हाँ इसका यूजेज होने लगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब पता है, पता चला कि क्यों मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपके 2017 का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है 2017 का, सेम क्वेश्चन आया था, आपको समझाने को बोला गया था कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसको आप समझाइए। ठीक है, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए है क्योंकि वो वही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अ बायर कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गिविंग मनी एंड अ सेलर कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग मनी। ठीक है, ये आपको जरूर वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मनी का ये फीचर मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वॉज अ क्वेश्चन इन 2017 इन इकोनॉमिक्स पेपर, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस सेशन वुड हैव बीन वेरी क्लियर टू यू। ओके, और आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। विद दिस वी कम टू एन एंड। Thank you so much for your patient listening. Thank you. Goodbye.